ओके बेटा, ये समझ आया बेटा यूवी का? यस सर। रक्षित? यस यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखो बच्चों, किसी टाइप का, थोड़ा कुछ मिलता जुलता है। एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों कैसे करेंगे? एक्स प्लस फाइव बाई फोर को तो पुट करना ही है, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना? वरना तो 0.04 है। लिमिट के क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको 0.04, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो मिलेगा ही मिलेगा। सर टैन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी होती है? टैन क्या बेटा, क्यूब एक्स की आइडेंटिटी होती है? 10 3 x की ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती है, 10 3 थीटा की ओके आइडेंटिटी सर। होती है। 3 10 थीटा माइनस 10 3 थीटा अपॉन 1 3 10 2 थीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 3 10 10 3 थीटा, 10 3 थीटा इंटू 1 3 10 2 थीटा इक्वल टू 3 10 थीटा माइनस 10 3 थीटा। वहां से निकालते हैं, ठीक है ना? वहां से इसको निकाला जाता है 10 3 थीटा की वैल्यू, ठीक है? सर इस पे अप्लाई करेंगे? नहीं, हम इस पे ये वाली अप्लाई नहीं करेंगे, वो करके भी कर सकते हैं इसको, बट कोई उससे भी छोटा नहीं होगा। तो हम इसमें करेंगे कि इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि नीचे भी उसी टाइप की टर्म है ना, कॉस क्यूब एक्स। थोड़ी टीवी देख ले, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अपॉन में क्या है, कॉस एक्स प्लस फाइव बाई फोर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ऊपर हम एलसीएम ले लें, ठीक, अच्छा इससे पहले हमें ये करना चाहिए था यहाँ पर कि हमें 10 x कॉमन ले लेना चाहिए था, ठीक है? बाद में ये चेंज करना चाहिए था, पर चलो हम अभी भी कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस फाइव बाई फोर। ये स्टेप समझ आया है, मैं इसको दोबारा लिखूं बच्चों? अगर पहले हम यहाँ से 10 x कॉमन लेते तो यहाँ बचता 10 2 x माइनस 1 डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर हम 10 x इंटू इसको साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर में चेंज करते तो ये हो जाता साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये आता, ठीक है? ठीक है बेटा, यस सर। 10 x यहाँ पर एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा 10 x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये बचेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस फाइव बाई फोर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। युविका? यस सर। कोई प्रॉब्लम है बेटे? नो सर।
रक्षित, यस। नो अच्छा, सर, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बनेगा? माइनस कॉमन ले कॉस लिया जाए स्क्वायर एक्स तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स, और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? उसकी वन आइडेंटिटी माइनस कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस ठीक है। टू एक्स। और नीचे बचा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर। आप देखो बच्चों, जरा आप देखो कि कौन कौन जीरो बना रहा है, उन्हीं को सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर टेन एक्स, एक्स को पाई बाय फोर डालेंगे तो जीरो नहीं बना रहा है, मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। पाई बाय फोर इसमें जीरो डालेंगे तो कॉस पाई बाय फोर जीरो नहीं बन रहा है, ये भी ठीक है। जीरो कौन बनाएगा? कॉस टू एक्स, ये कॉस टू एक्स, एक्स को पाई बाय फोर डालेंगे तो जीरो बनाएगा, दूसरा जीरो बनाएगा ये दोनों जीरो बनाने वाले फैक्टर हैं। आपको सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करना होता है जो जीरो बना रहे होते हैं, जो फैक्टर्स जीरो नहीं बनाते हैं उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस उनको क्वेश्चन में लास्ट तक एज इट इज लिखते जाओ, ठीक है, क्लियर है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर, तो माइनस ऑफ टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अच्छा, कॉस टू, अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या करें इसमें, इसमें वो कर देते हैं हम, पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर माइनस एच या प्लस एच कुछ भी कर सकते हो, क्या करूं बोलो बोलो, प्लस सो प्लस कर दूं क्या? कर दूं, सो माइनस कर दो, नीचे प्लस है तो माइनस ही कर दो। माइनस कर दूं, ऐसा कुछ भी चलेगा। उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करूंगा तब भी ये कटना यस नहीं है, ठीक है ना, ओके ओके सर। हाँ बड़ा रहने दो, प्लस भी रहने दो। एज एक्सटेंडिंग टू पाई बाई फोर, एच किसको अप्रोच करेगा? जीरो को, ठीक जीरो है। तो अब हमारा लिमिट आ जाएगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। इसके बाद आपको एच की लिमिट लगानी है, ठीक है, एक्स की लिमिट नहीं, माइनस ऑफ टेंजेंट, यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर प्लस एच, इसको बस लिखा रहने देना है, करना कुछ नहीं है। कॉस स्क्वेयर पाई बाई फोर प्लस एच, यहाँ पर कॉस मेन इफेक्ट होगा, यहाँ पर कॉस टू इंटू एक्स के जगह पाई बाई फोर प्लस एच, ठीक है। नीचे क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स के जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस एच प्लस पाई बाई फोर, दिस इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, माइनस टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस एच, कॉस स्क्वेयर पाई बाई फोर प्लस एच। अब ये बताओ मुझे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस टू एच, ठीक है बच्चों, कॉस पाई बाई टू प्लस टू एच यही बनेगा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे टू को तो पाई बाई टू प्लस टू एच बन जाएगा, ये बताने की जरूरत है कैसे बना। नो सर। और नीचे क्या बन जाएगा, कॉस ये पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। तो ये कॉस क्या बन गया, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये टर्म हमारी क्या बनेगी, माइनस साइन टू एच, माइनस साइन टू एच। और डिनोमिनेटर में कॉस 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन एच, माइनस से माइनस को कट कर देंगे, ठीक है। आगे बता सकते हो क्या करेंगे, कौन बता सकता है इससे आगे? बिगनिंग की दो टर्म का कुछ नहीं करना, ये लास्ट तक एज इट इज लिखनी है, आपको जो सिंप्लीफाई करना है वो रेड वाले टेक्स्ट के लिए करना है।
कौन बताएगा? साइन टू थीटा की कोई प्रॉपर्टी लगेगी? लगा सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। एक और मेथड होता है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच वन होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो यूज करते हो तो इसको आपको टू एच से डिवाइड करना होगा, टू एच से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे आपको एच से डिवाइड करना होगा, एच से मल्टीप्लाई करना होगा, और एच एच को हम कट कर देंगे। तो ऊपर ठीक सिर्फ है एक एच बचेगा। क्या बेटे? यस सर, वो क्या हाँ, अब एच को जीरो डालो। माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाय फोर प्लस जीरो, तो पाई बाय फोर ही आएगा। ऊपर ये टर्म वन बन जाएगी, ये टर्म आपकी वन हो जाएगी, बचेगा सिर्फ इनटू टू। नीचे कॉस स्क्वेयर, एच को आपने जीरो डालना है, तो ये सिर्फ क्या बचेगा? कॉस पाई बाई फोर का होल स्क्वेयर। साइन एच अपॉन एच, ये भी आपका क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? टेंजेंट पाई बाई फोर क्या होता है? वन होता है। इंटू में टू अपॉन में कॉस पाई बाई फोर क्या होता है बच्चों? वन बाय रूट टू। वन बाय रूट टू का स्क्वेयर होगा तो ये वन बाय टू बन जाएगा, इंटू में वन, और ये टू भी बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टू इंटू टू दैट इज फोर। एक माइनस का साइन रह गया, सो माइनस फोर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अरे 6 मार्क का नहीं बच्चों 6 मार्कर तो नहीं है, आएगा तो ये 3 नंबर में ही। सर, 3 नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? 3 नंबर के लिए थोड़ा सा बड़ा है ये, बट यस सर, वो सर। आएगा तो बच्चों 3 मार्कर ही। पहले जब 4 मार्कर होते थे तो ये 4 मार्क्स में आ जाता था, अब 4 मार्कर तो है नहीं, और 5 जितना यस भी सर। बड़ा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो 3 मार्कर्स होते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन छोटा डाल देते हैं, एक बड़ा डाल देते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। या फिर और में कई बार आप क्या होता है कि और में कई बार 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन बड़ा होता है, एक छोटा होता है, और जब आप और वाले पार्ट में से, एक्स्ट्रा वाले पार्ट में से, अगर आपने हर जगह से बड़ा क्वेश्चन उठा लिया, तो फिर आपका पेपर पूरा करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। तो जब और वाले क्वेश्चन हो, जब आपको दोनों क्वेश्चन आते हो, तो सिलेक्शन ऐसे करना है कि जो आपको टाइम बचाए। ठीक है, चलें आगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये आपके पेपर में आने के काफी चांसेस रहते हैं इसके। जिसने ये कर दिया, समझो कि ही और सी इज वेरी इंटेलिजेंट, पर अगर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हुआ तो इंटेलिजेंट नहीं हो, वो उसका मतलब नहीं है। टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन, टू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 3 sin x + 1, कौन बताएगा कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ी इसकी सिमिट्री को देखो, टर्म्स की पावर्स को देखो, कैसे रिड्यूस हो रही है, कैसे है, ज्यादा टिग्नोमेट्री की तरफ मत जाना, है ना? कौन बता रहा है? रक्षित बता रहा है? तो सोच रहा हूँ कैसे करना। पहले वाले टर्म को हम, अच्छा नहीं, नहीं। बताओ, शाबाश। सर ये तो शायद 0/0 फॉर्म ही नहीं आ रही। 0/0 फॉर्म नहीं आ रही बेटे, 1 मिनट चेक करो। साइन पाई बाय सिक्स, 1/2, 1/2 का स्क्वेयर 2, सो 2 into 1/2, 1/4 सॉरी, प्लस 1/2 माइनस 1, 1/2 ऊपर तो आ रहा है बेटे, नीचे 2,
इंटू 1/2, 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1/2 आ रही है बेटे, 0/0 फॉर्म है बेटे। यूविका सर वहां पे गलती हो गई थी, ठीक है। 0/0 फॉर्म है। यस सर। सम 2 sin² x को रीराइट करके sin x² लिख सकते हैं ना, और नीचे भी सेम अच्छा चलो, मैं आपको एक हिंट क्वाड्रेटिक देता वंस। हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों साइड फैक्टराइज नहीं हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? नहीं बेटे सब्स्टिट्यूशन करना है, साइन एक्स वाई लगाना है। अगर एक्स पाई बाई सिक्स को अप्रोच करता है, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई सिक्स, तो वाई किसको अप्रोच करेगा? डालो यहाँ पर साइन एक्स को पाई बाई सिक्स, साइन वाई का अप्रोच करेगा हाफ को, ठीक है। लिमिट निकालनी आती है ना सबको, अगर एक्स पाई बाई सिक्स को यस अप्रोच सर। कर रहा है तो वाई किसको अप्रोच करेगा? हाफ को। तो आप क्या कर देंगे इसमें, अब हमारी लिमिट हो जाएगी, लिमिट वाई अप्रोचेस टू हाफ, 2y² प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2y² माइनस 3y प्लस 1। अब क्या करेंगे, अभी भी ये 0/0 ही है, क्या करेंगे अभी, कौन बताएगा? सो फैक्टराइज नहीं कर देंगे? यस, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है बेटे, पॉलिनोमियल जब भी आए और जीरो बनाए, लिमिट्स के केस में फैक्टराइजेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, फैक्टराइज ही करना है। करो जरा फैक्टराइज। सो वाई प्लस 1/5 -1 आ जाएगा। y+1 अपॉन y-1, y-1 डाल दो y को यस हाफ, 3/2 अपॉन माइनस हाफ -3। क्वेश्चन यस। नंबर 63। सो वैसे मैं भी फैक्टराइजेशन ये वाई को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही बोल रहा था कि जब 2y² के अच्छा फॉर्म में आ जाए। यस फैक्टराइज करेंगे बच्चों, y को चेंज करके फैक्टराइज करेंगे। हो गया दोनों बच्चों का, हो गया। बाकी यस सर। एक और यस क्वेश्चन सर। होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए प्लस एच का होल स्क्वायर, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन एच, बताओ जरा कैसे करेंगे। देखो पहले इस ए प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन कर दो बच्चों, 0/0 फॉर्म है, नो डाउट, कंफर्म 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो। इसको ओपन कर दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, ठीक है। ए प्लस एच होल स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन एच, ठीक है। अच्छा अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ए स्क्वेयर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन ए प्लस एच, ए स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन ए प्लस एच प्लस एच स्क्वेयर साइन ए प्लस एच प्लस 2ah साइन ए प्लस एच,
ए स्क्वेयर साइन है, ठीक है, अपॉन एच। फर्स्ट और लास्ट टर्म को, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? बच्चों फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंबाइन कर लें हम, और यहां से ए स्क्वेयर कॉमन ले लें, क्या बचेगा? साइन ऑफ ए प्लस एच, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस एच स्क्वेयर, ये वाली टर्म, एच स्क्वेयर साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस 2ah साइन ए प्लस एच अपॉन एच। कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया मैंने, फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंबाइन किया, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यहाँ ए नहीं, या एच तो नहीं है कहीं? नहीं, ए ही है, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ए स्क्वेयर, बच्चों इस पे साइन एक्स प्लस साइन वाई अप्लाई करो, क्या अप्लाई करोगे? साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है, यस बताओ सर, साइन एक्स प्लस साइन वाई अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आई थिंक कॉस साइन आता है ना, कॉस बिल्कुल ए कॉस प्लस आना बी चाहिए, माइनस टू। यहाँ कॉस आएगा और यस सर, यहाँ कॉस आएगा, अब आएगा साइन, साइन दिस ए माइनस माइनस दिस टू। करेंगे तो एच एच बचेगा, और जो डिनोमिनेटर में एच है ना बेटा, इस एच को सबके साथ सेपरेटली डिवाइड, सेपरेट लिख दो, प्लस आगे आएगा एच स्क्वेयर साइन ए प्लस एच, इसके नीचे भी एच, आगे आएगा 2ah साइन ए प्लस एच, इसके नीचे भी एच, सेपरेट डाल दो, इसका एक एच यहां से कटेगा, एक एच यहां से कैंसिल होगा, ठीक है। यूवी का यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को भी? नो सर, देखो दिस इज लिमिट, एच अप्रोचेस टू जीरो, ए स्क्वेयर कॉस ए प्लस एच, और ये हो जाएगा साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास एच साइन ए प्लस एच, ओनली दिस, और आगे वाली टर्म में बचेगा 2a साइन ए प्लस एच, ठीक है। कॉस ए प्लस एच होल नहीं होगा? आपने खाली एच के नीचे टू लिखा है डिनोमिनेटर में, बेटा वो ना कॉस के टू बाद जो प्लस, ब्रैकेट है। वो होगा 2a+h/2, ठीक है, उसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा a+h/2। ओके सर, समझ गया। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, कभी ना कभी किसी ना किसी के स्कूल के पेपर में होते हैं, तो आप इनको ये मत समझना कि ये तो बहुत मुश्किल से हैं या ये पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी स्कूल के पेपर में होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा आता है। अच्छा बच्चों देखो जरा, हाँ ए स्क्वेयर यहां पर एच को जीरो डालेंगे तो कॉस ए आ जाएगा और ये आ जाएगा 1, प्लस यहां पर क्या होगा? देखो बच्चों 0 × sin ए प्लस जीरो, 0 × sin a+0 प्लस 2a sin a+0, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। दिस इज
नौ ए सौ स्क्वायर कॉस ए प्लस दिस, ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, यस सही, ये फुल बचेगा होल प्लस जीरो। 2a sin a, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम इसमें ए कॉमन ले सकते हैं दोनों में और उसको हम आके तो कंबाइन ऐसे कर आप कैसे सकते भी हैं। सिंपलीफाई करके लिख दो, ए कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए कॉस ए, ए कॉस ए प्लस 2 sin ए ले सकते हो। ठीक है, ये एम एल अग्रवाल से क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आपको एम एल अग्रवाल में भी मिल जाएंगे, ये आपको हर बुक में मिलेंगे क्वेश्चन, ये आर एस अग्रवाल में भी ओके मिलेंगे, आपको सर। एम एल में भी मिलेंगे, आर डी में भी मिलेंगे, सारी बुक्स में है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने क्या सीखा था, आपने कर लिया ना फर्स्ट प्रिंसिपल, सर उसमें हम एक्स प्लस एच लेके करते हैं, वो एफ डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आपने सीखा था, किसको याद है, किस किस के स्कूल में आ रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल? युविका आपका स्कूल अभी कौन सा कंफर्म है? नहीं है सर। सर जी डी कॉइन का नहीं आ रहा मेरे स्कूल में। रक्षित, सर मेरे को नहीं पता एक्चुअली, यस मेरे को भी नहीं पता, कंफर्म नहीं है ओके, फिर हम अभी रिवाइज नहीं करते उसको, सर। ठीक है बट ना? सर ने करा दिया था। अच्छा चलो देख लेंगे बाद में, अगर स्कूल में आता हो कंफर्म हो जाए तो रिवाइज कर लेना, तो और यस नहीं सर। आता हो तो छोड़ देना, है ना? एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, हम लिमिट को आगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ई टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 1/x प्लस 1, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं तो 12th में काम आएंगे। अगर आपके स्कूल वाले कह देते हैं कि इस बार हम एनसीईआरटी से ही देंगे, तो भी यही सारे क्वेश्चन आपको 12th में भी मिलेंगे। ठीक है, लिमिट नहीं है वहां पर, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी इसी का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां भी मिल रहे हैं। देखो जरा इसको कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट, चेक करना आपको एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, ये चेक करना है इस लिमिट को। आपको क्या लग रहा है, ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, कौन बताएगा बच्चों? एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा डाउट तो क्रिएट हो ही जाता है, तो हमें, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, ठीक है, जीरो पे निकाल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू तो हमें यही लेनी है, ई टू द पावर 1/x माइनस 1 ई टू द पावर 1/x प्लस 1। ठीक है, क्या करोगे, पुट करो जरा, एक्स को क्या पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स को क्या पुट करते हैं, जो भी लिमिट पॉइंट हो यहां पर जीरो है, दैट माइनस एच, एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एच किसको अप्रोच करता है, जीरो को, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ई टू द पावर एक्स के जगह लिखेंगे जीरो माइनस एच, माइनस वन
ई टू द पावर 1/0 माइनस एच प्लस 1, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्या करेंगे बताओ जरा। ई टू द पावर -1/h -1, ई टू द पावर -1/h, ऊपर प्लस वन है नीचे माइनस वन, हाँ बच्चों कौन बता रहा है? बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। क्या हुआ, बोर हो गए क्या? पता नो सर। नहीं, थोड़ा रिस्पांस कम हो गया। यूवी का बोर हो गए बेटा? नो सर। ऐसा तो नहीं है कह रहे हो कि सर क्या ही कराया जा रहे हो, पता नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है बेटा ये सारे। हाँ चलो जी, देखो, आप इसका आंसर बता सकता है कोई मुझे? न्यूमरेटर का आंसर क्या आएगा? न्यूमरेटर का आंसर इसको क्या आएगा बता सकते हो, या मैं बताऊं? देखो बच्चों, एच किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को, तो 1/h किसको अप्रोच करेगा? यस, इन्फिनिटी। हाँ, ई टू द पावर 1/h अप्रोच करेगा ई टू द पावर इन्फिनिटी को, क्योंकि 1/h इन्फिनिटी है और ई एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के आप जितनी बड़ी पावर करोगे उतना ही बड़ा हो जाएगा, सो ई टू द पावर इन्फिनिटी विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, और 1/e^(1/h) अप्रोचेस टू 1/∞, और 1/∞ अप्रोच करता है जीरो को, ठीक है? फिर से सुनो, एच अप्रोच करेगा जीरो को, एच अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो 1/h किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को, ठीक है? 1/h किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। अच्छा इस आप रिपीट करके बताओ, चलो यस बताओ, यस यस सर। तो एच जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1/h इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब ई टू 1/h है तो वो ई इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो तो ई इन्फिनिटी हो गया, जब इन्फिनिटी ई इन्फिनिटी इन्फिनिटी वन होता है क्योंकि अपॉन पॉजिटिव नंबर के आप जितनी बड़ी पावर करोगे वो उतना ही लार्जर होता चला जाएगा, तो आप ई यस एक सर पॉजिटिव नंबर होता है 2.718 समथिंग समथिंग, है ना? तो ये पॉजिटिव नंबर है, यस इसकी सर जितनी बड़ी पावर करोगे, 2 स्क्वेयर करोगे, क्यूब करोगे, 4 पावर करोगे, उतना ही लार्जर होता चला जाएगा, तो इन्फिनिटी पावर करेंगे तो ये इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा। ई टू द पावर 1/h किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो 1/ ये क्या बन गया, 1/ ये इन्फिनिटी बन गया, समथिंग और इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है भाई? 1/ में बहुत बड़ा नंबर है, 1/ में बहुत बड़ा नंबर है ना? नीचे का नंबर जितना बढ़ता जाता है नंबर उतना ही छोटा हो जाता है, जैसे जैसे 1/2 करोगे तो 0.5 है, 1/3 करोगे तो 0.3 हो जाएगा, 1/4 करोगे तो 0.25 हो जाएगा, है ना? 1/5 करोगे तो 0.2 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर जितना इंक्रीज होता जाएगा नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर कैसा है, इनफाइनाइटली लार्ज है, तो ये नंबर जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है? तो हमारा ये टर्म बन गया जीरो, 0 -1/0 +1, ठीक है? माइ सो इट इज -1, बताओ ये किसको समझ आया? राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई टू द पावर 1/x -1 अपॉन ई टू द पावर 1/x +1, जीरो प्लस, पुट कर दें हम एक्स को, जीरो प्लस एच, वैसे इस पार्ट में जरूरत है नहीं,
आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा कि किस में करना है किस में नहीं करना, आप दोनों में ही कर लो। राइट हैंड लिमिट के लिए पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, एज एक्स अप्रोचेज टू जीरो एच अप्रोचेज टू जीरो, तो लिमिट हमारी हो जाएगी एच अप्रोचेज टू जीरो ई टू द पावर वन बाई एक्स माइनस वन ई टू द पावर वन बाई एक्स प्लस वन। ओ ये सॉरी, जीरो प्लस एच आएगा तो एच आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी एच आ जाएगा, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच लिखेंगे तो एच ही हो जाना है वैसे तो जहाँ एक्स था वहाँ एच आ गया। बच्चों एक काम करो, ऐसे तो आपने लिमिट डाल दी तो ये ऐसा ही है जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे बन गया, बस एक्स के जगह एच आया और कोई चेंज नहीं आया, ठीक है? तो ये भी जीरो अपॉन जीरो फॉर्म ही रहेगा। तो क्या करेंगे आप, ऊपर से ई टू द पावर वन बाई एच कॉमन लो, यहाँ बचेगा वन माइनस वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच। न्यूमरेटर से ई टू द पावर वन बाई एच कॉमन ले लिया हमने, ठीक है? न्यूमरेटर से हमने ई टू द पावर वन बाई एच कॉमन ले लिया तो आ गया वहां पर वन माइनस वन अपॉन दिस, नीचे भी कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या आ गया, वन माइनस वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच, ठीक है? इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बच्चों। रक्षित, यस, युविका, सर नीचे प्लस का साइन नहीं आएगा? ऑल राइट ऑल राइट, ये हो गया, प्लस कर देता हूँ, चलो ठीक है, ये हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप एच को जीरो डाल दो, एच को जीरो डाल के बताओ मुझे क्या आया। तब वो वन अपॉन इन्फिनिटी वाला सेम हो जाएगा, तो वन अपॉन, जीरो का वो भी। हाँ फिर से वही वाला, एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, वन अपॉन एच इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ई टू द पावर वन अपॉन एच ई टू द पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी हो गया वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई एच, वन और इन्फिनिटी बन गया और वन और इन्फिनिटी जीरो होता है, ठीक है? यूवी का ही समझ आया बेटा आपको? रक्षित, यस सर, यस अच्छा अब ये क्या बन गया, वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, सो इट इज वन। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है? डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? बच्चों लिमिट में मैंने आपको ऑलमोस्ट रिवाइज करवा दिया है, ठीक है ना? आप सर के साथ डिफरेंशिएशन रिवाइज कर सकते हो, बता देना आप सर को, ओके सर, ठीक है? तो चलो आज हम इतना ही करेंगे, हमारी क्लास भी है, मीटिंग भी सर एंड होने एक वाली। मिनट में एंड होने वाली है मीटिंग। चलो इतना ही करेंगे बच्चों आज हम, ठीक है? अब रीज्वाइन नहीं करना है ना वापस? नहीं अब नहीं करना। ओके सर, क्या ग्रेटेस्ट थैंक इंटीजर यू के बारे सर। में बताओ कुछ, करें रिज्वाइन?